अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि जब वो इस्तीफा स्वीकार कर लिया लॉर्ड कर्जन का, तो एकदम से तो वो नहीं गए, उनको एक एक टाइम लिमिट मिला होगा कि इस दिन आप जा सकते हैं, तो 1 महीना 2 महीने या 4 महीने, उस उन 2-4 महीनों के जब इस्तीफा स्वीकार कर लिया, वो 2-4 महीने किस तरह से निकले होंगे लॉर्ड कर्जन के, यानी कितने दुख में निकले होंगे, इस बारे में लेखक बताता है क्या। देखिए, जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना, यानी बहुत ऊंचे चढ़ गए थे, यानी वायसराय पद पर पहुंच गए, एकदम से वहां से गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है। गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है यहाँ के निवासियों को। गिरकर पड़े रहना यानी वो अब माफी भी नहीं मांग रहे हैं कि मैंने गलत किया है। आपका पद छूट गया तथापि, फिर भी, तथापि का अर्थ होता है फिर भी, आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना सा क्लर्क, यानी एक छोटा सा क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो कि आप 1 महीने के बाद जा सकते हैं, एक छोटा सा क्लर्क पद पर जो नियुक्त है उसे अगर ये नोटिस दे दिया गया कि 1 महीने के बाद आपकी नौकरी चली जाएगी, तो नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। यानी जो नोटिस की अवधि है यानी 1 महीना तक की, उसमें उसको बड़ी घृणा से काटता है, यानी बड़ी घृणा से यानी नफरत से उसको पूरा करेगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा वहां पर, नफरत हो जाएगी उससे। तो इतने छोटे से क्लर्क को ये का ये हाल है। तो और आप तो इतने बड़े पद पर थे, तो आपको इस समय अपने पद पर रहना कहां तक पसंद है यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर ही नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। इतनी उनका जो पतन हुआ है लॉर्ड कर्जन का, इतना उस पतन में इतनी उलझन में पड़ते हुए किसी उन्होंने यानी भारतवासियों ने किसी को भी नहीं देखा। आगे देखिए, अब हम इन पैराग्राफ्स में पढ़ने जा रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन ने जो काम किया वो क्या सही था या गलत, इस बारे में लेखक थोड़ा और जोर देकर कहता है ये बात कि, और एक और बात भी कि बहुत से ऐसे शासक भी आए जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन उनमें कुछ खूबी तो रही थी, कुछ अच्छी बातें तो थी, लेकिन लॉर्ड कर्जन में वो बात भी नहीं दिखी। तो लेखक इस बात पर गुस्सा होते हुए क्या कहता है, देखिए, माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, मतलब शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य रखता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी से किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध यानी प्रजा के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने अपनी जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार, ये भी एक तानाशाह रहे, शासक रहे, कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे, यानी बहुत ज्यादा कहने पर प्रजा की बात वो भी सुन लिया करते थे। यानी वो कैसर और जार भी अच्छे शासक नहीं रहे, तो वे भी कुछ कभी ना कभी तो प्रजा की बात सुन ही लेते थे। पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो, यानी प्रजा की बात सुनी हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह, ये भी एक शासक रहे, तानाशाह रहे, नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ जाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, यानी जो उसने मार काट की थी उस किसी के कहने पर, आसिफ जाह के कहने पर उसने वो जो कत्लेआम था वो रोक दिया, तो मतलब वो मार काट रोक दी, यानी उसने भी किसी ना किसी की सुन ली थी। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर, 8 करोड़ यानी यहाँ भारतवासी हैं, तो भारतवासी उस टाइम 8 करोड़ की थी, 8 करोड़ की जनसंख्या थी, तो 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर उन्होंने गिड़गड़ाया था कि विच्छेद न किया जाए। विच्छेद किसका? बंगाल विभाजन। तो बंगाल का जो भंग हुआ था, यानी बंग भंग हुआ था, यानी बंगाल का विभाजन हुआ था, उसे विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यानी 8 करोड़ प्रजा चाहती थी कि बंगाल का विभाजन न हो, उनका विच्छेद न हो, लेकिन उसकी तरफ आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है, तथापि यानी फिर भी बंग विच्छेद किए बिना घर जाना आपको पसंद ही नहीं, यानी आप जाते जाते भी बंग भंग करके ही गए, यानी बंगाल का विभाजन करके ही गए। नादिर से बढ़कर आपकी जिद है, यानी नादिर शाह से भी ज्यादा जिद्दी हैं आप। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता?
यानी उनके मन में क्या दुख नहीं आता होगा? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं, यानी एक पद नौकरी पर नहीं रखा आपके कहने पर, तो आपने नौकरी छोड़कर अपने कहीं और चले गए। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती, यानी वो उनको भी उनके पास भी कोई जगह हो, तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ न जाती? मतलब तुमने जो काम किए हैं उससे नाराज होकर क्या वो इस देश के निवासी छोड़कर न चले जाते? अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं कि भारतवासी की विशेषता बताते हुए लेखक लिखता है कि भारतवासियों में विशेषता है कि वो परिणाम का ज्यादा ध्यान रखती है, यानी कि जब भी उनके साथ कुछ गलत होता है तो यही सोचती है कि इसका जो परिणाम होगा ना वो अपने आप सामने आ जाएगा। मतलब कोई गलत कर रहा है तो उनके साथ खुद भी गलत ही होगा, तो भारतवासी की खास बात है। तो यही बात हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया, उसने देख लिया कि आपकी जिद, जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी, यहां तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए, यानी आपको भी तो जाना पड़ा। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीजों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, यानी दुख का जो समय आया है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता सहकर भी वह जीती है, यानी पराधीनता यानी गुलामी सहकर भी वो जीवित रहती है, यानी जीती रहती है कि परिणाम कुछ ना कुछ अपने आप ही सामने आ जाएगा, यानी जो गलत करेगा उसका साथ गलत होगा ही। माई लॉर्ड, इस कृतज्ञता यानी उपकार को मानने वाली की भूमिका की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी, यानी इस कृतज्ञता की जो भूमि है इसकी महिमा यानी महत्व को आपने कुछ न समझा, और न ही यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति यानी उनका प्रेम अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। लेखक कहता है कि नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार था जिसको जिसके जीवन में कठिनाइयां आ गई, और कठिनाइयों के दिन में वह एक दूसरे राज्य में रहने चला गया। दूसरे राज्य में उसने बहुत अच्छा काम किए, अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभाया, अच्छे काम किए, और छोटे से छोटे पद से लेकर बड़े से बड़े पद पर उसने अपने कर्तव्य निभाए, अच्छा नागरिक बनकर रहा वहां से। लेकिन वहां से जब वो विदा ले रहा है एक टाइम के बाद, तो उसने विदाई संभाषण किया। विदाई संभाषण में उसने जो जो कहा, वो कितनी अच्छी बातें कही, वो क्या थी वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे, और अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि लॉर्ड कर्जन, जो अंतिम पैराग्राफ आएगा, तो लॉर्ड कर्जन अगर जाता जाते समय यानी भारत से जाते हुए समय विदाई संभाषण करता तो क्या करता, क्योंकि उसे सच्चाई अगर बतानी होती तो क्या बताता, और नर सुल्तान ने जो सच्चाई बताई यानी वहां से जाते हुए उसकी कितनी अच्छी बातें रही, ये सब बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इस देश के शिक्षितों को देखने की आपको आपकी आंखों को ताब नहीं, ताब यानी आपकी आंखें तो योग्य नहीं है, यानी शिक्षित लोगों को यानी पढ़े लिखे लोगों को तो आप देखना भी नहीं चाहते थे। कौन? लॉर्ड कर्जन। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता था। जो अनपढ़ गूंगी प्रजा हुआ करती थी उनका नाम तो कभी कभी फिर भी यानी उनकी बातें तो कभी कभी शायद सुन भी ली जाती होंगी या सुन ली जाती थी। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार, नर सुल्तान नाम का एक राजकुमार था, उसका गीत बड़ा गाया जाता है, यानी उसकी प्रशंसा बहुत की जाती है। एक बार अपनी विपद यानी मुश्किल के कई साल सुल्तान ने यानी नर सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहां चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था, यानी छोटे छोटे पद से लेकर ऊंचे पद तक भी काम कर पाया। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से, जिस ढंग से, रीति माने ढंग से उसने अभिवादन किया, वह सुनिए उसने क्या कहा। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूं, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन यानी मुश्किल के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला यानी तेरे उधार का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता, यानी कौन, यानी नर सुल्तान। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले, नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। इस तरह का विदाई संभाषण किया था नर सॉरी नर सुल्तान ने। तो अगर
माई लॉर्ड, यानी लॉर्ड कर्जन अगर ये विदाई संभाषण करते तो क्या कहते, क्योंकि उन्हें सच्चाई बतानी होती तो क्या कहते वो। वो आगे लिखा हुआ देखिए, माई लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है उसके देश से क्या आप भी कुछ चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? अगर करेंगे तो क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, हे अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस देश में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में नहीं थी, यानी तेरी भलाई कभी भी मैंने नहीं सोची। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि अब तो मैं पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब कोई शक्ति नहीं है कि तेरे लिए कुछ कर सकूं। पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे, यानी तेरा प्राचीन गौरव और यश तुझे वापस मिल जाए। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझे, यानी मेरे पद पर जो आएंगे बाद में वो तेरे गौरव को समझने वाले हो, ऐसा लॉर्ड कर्जन कहते अगर वो विदाई संभाषण करते तो यही कुछ सच्चाई वो बोल अगर वो बोलते सच्चाई तो यही कुछ होती। तो लॉर्ड लेखक कहता है कि पर आप ऐसा कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, मतलब पिछली सारी बातें वो भूल जाएगा हमारा देश यानी भारतवासी, पर इतनी उदारता माई लॉर्ड में कहा, मतलब इतना बड़ा दिल माई लॉर्ड में यानी लॉर्ड कर्जन में कहा, ऐसा कहकर वो पाठ को खत्म करता है। प्लस वन के और भी पाठ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कविताएं पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिए। धन्यवाद। और एक आखिरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको इस चैनल के वीडियो देखने को नहीं मिल रहे या कम मिल रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए, आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद।